MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एक 3 साल का प्रोफेशनल मास्टर डिग्री कोर्स होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा एक MCA कोर्स कंप्लीट करने के बाद कौन कौन सा करियर ऑप्शन आप लोगों के हाथ में होगा। तो अगर आप MCA परस्यू कर रहे हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर MCA स्टूडेंट हो, या तो आप MCA परस्यू करने का सोच रहे हो, इसका प्लानिंग कर चुके हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट बनने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में डिटेल में हर एक ऑप्शन को डिस्क्राइब करने वाला हूँ और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं इसी तरह का वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में MCA कंप्लीट करने के बाद कौन कौन सा करियर ऑप्शन हम लोगों के पास अवेलेबल होगा और इसमें से हम लोगों के लिए बेस्ट कौन सा होगा, ये चीज जान लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। MCA कंप्लीट करने के बाद जो स्टूडेंट्स के मन में फर्स्ट ऑप्शन आता है वो है जॉब करना। 70-80% स्टूडेंट का टारगेट ही यही रहता है कि फटाफट MCA डिग्री को कंप्लीट कर लेंगे और किसी अच्छे MNC या IT कंपनी के अंदर एक अच्छे खासा सैलरी पैकेज के साथ हम लोगों को जॉब करना है। तो दोस्तों आइए थोड़ा आपको डिटेल में बता देते हैं क्या है इसका फर्स्ट ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन के अंदर कौन कौन सा ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है। तो दोस्तों देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है जॉब करना। MCA कंप्लीट करने के बाद आपका सैलरी पैकेज कितना अच्छा होगा ये पूरा चीज डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। तो इंडिया के अंदर जनरली कॉलेजेस को 3 कैटेगरीज में या 3 लेवल आप लोग बोल सकते हो डिवाइड किया गया है, Tier 1, Tier 2 और Tier 3। तो दोस्तों देखिए Tier 1 के अंदर आ जाता है जो मेन टॉप के NITs है वो सभी कॉलेज, और इसके अंदर आप लोगों को मिल जाता है एक अच्छा ऑन कैंपसिंग का अपॉर्चुनिटी। मतलब इन सभी कॉलेजेस के अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी रिक्रूटमेंट करने आता है। तो दोस्तों देखिए थोड़ा आप लोगों को बता देते हैं कौन कौन सा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आता है। देखिए गूगल आ गया, इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट आ गया, ओरेकल आ गया, SAP लैब आ गया। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है अगर आपका सिलेक्शन अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो जाता है तो इसके अंदर काफी अच्छा सैलरी पैकेज आप लोगों को मिलता है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को 6-15 LPA तक की सैलरी पैकेज आप लोगों को मिल सकता है। इसको छोड़ के भी कुछ सर्विस बेस्ड कंपनी भी NITs के अंदर रिक्रूटमेंट करने आता है, जैसे आ गया TCS, इंफोसिस, CTS, टेक महिंद्रा। यहाँ पे भी आप लोगों को 3.5 से लेके 8 LPA तक की एक एवरेज सैलरी पैकेज आप लोगों को मिल जाता है। तो दोस्तों देखिए अगर आप लोग Tier 1 के कॉलेजेस के अंदर MCA कंप्लीट करते हो तो इसके अंदर अगर MCA परस्यू करते हो तो आपको जॉब को लेके कोई भी चिंता दिमाग में नहीं रखना है। यहाँ पे 90-100% तक सबका ही प्लेसमेंट किसी न किसी कंपनी में हो जाता है। अगर आप इस 3 साल के अंदर थोड़ा मन लगा के पढ़ाई करते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज गैदर कर लेते हो, तो आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिल ही जाता है। इसको लेके कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। दोस्तों अब आप लोगों को थोड़ा बता देते हैं क्या होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और क्या होता है सर्विस बेस्ड कंपनी। देखिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी उन्हीं कंपनीज को बोला जाता है जिन कंपनियों का खुद का प्रोडक्ट होता है। मतलब कि वो कंपनी अपना खुद का प्रोडक्ट बनाता है और दूसरे कंपनीज को वो प्रोडक्ट देता है यूज करने में, किसी एप्लीकेशन बिल्ड करने में या किसी एप्लीकेशन को सपोर्ट करने में। दोस्तों देखिए अभी आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी SAP आ गया, ओरेकल आ गया, IBM आ गया, ये सभी कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। दोस्तों अब आप लोगों को बता देते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का प्रोडक्ट है इन सभी चीजों को यूज करके और जो कंपनीज होता है उनका IT सपोर्ट देते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस करता है, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करता है। दोस्तों देखिए अब बात कर लेते हैं Tier 2 कॉलेजेस के बारे में। दोस्तों देखिए कोई पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो टॉप का 2-3 कॉलेजेस होता है उनको माना जाता है कि Tier 3 कॉलेजेस के अंदर वो सब आता है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे उतना भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं आता है, कभी कभी आ जाता है किसी स्पेशल कॉलेजेस के अंदर अगर आ सकता है अगर उन लोगों का टाई अप हो तो।
बेसिकली देखिए यहाँ पे आप लोगों को सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, मतलब कि वही आप लोगों को 3.5 से लेके 8 एलपीए तक की सैलरी मिल सकता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर आपको बाय चांस जॉब नहीं मिलता है ऑन कैंपस से, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है ऑफ कैंपस ड्राइव में। दोस्तों देखिए इंडिया के अंदर दो पॉपुलर ऑफ कैंपस ड्राइव है, TCS NQT और विप्रो एलीट। दोस्तों देखिए अगर आप लोगों को ये दो ऑफ कैंपस ड्राइव के बारे में जानना है तो इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दिया गया है, आप लोग वीडियो देख सकते हो, आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। टायर थ्री कॉलेजेस में ऑन कैंपसिंग बेसिकली नहीं होता है, आपको पूरा डिपेंडेंट होता है ऑफ कैंपसिंग के ऊपर। दोस्तों देखिए आप लोग इसके लिए यही TCS NQT या विप्रो एलीट के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हो। ये ऑप्शन को छोड़ के आप लोगों को और एक इम्पोर्टेंट चीज बता देते हैं, देखिए अभी इंडिया के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन आ गया है जो MCA फ्रेशर स्टूडेंट को हेल्प करता है जॉब पाने में। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे MCAT, CoCubes और Elitmus, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही पॉपुलर है जो फ्रेशर स्टूडेंट को जॉब पाने में हेल्प करता है। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अगर आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को डायरेक्टली क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आप लोगों को एक प्रॉब्लम फेस करने को हो सकता है अगर आपका थ्रू आउट मार्क्स परसेंटेज 60% से कम है, क्योंकि बहुत सारा MNC या IT कंपनी अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्लियरली मेंशन कर ही देता है अगर आपका मार्क्स परसेंटेज थ्रू आउट 60% से कम है तो आप उस पर्टिकुलर जॉब के अंदर अप्लाई नहीं कर पाओगे। दोस्तों अब आप लोगों को बताते हैं सेकेंड ऑप्शन के बारे में जो कि है टीचिंग। दोस्तों देखिए सेकेंड ऑप्शन में आ जाता है टीचिंग, अगर आप BEd कंप्लीट कर लेते हो MCA डिग्री के बाद तो आप लोग गवर्नमेंट का जो टीचिंग जॉब वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आता है उसके अंदर अप्लाई कर पाओगे। इसके साथ साथ भी जो प्राइवेट स्कूल होता है प्राइमरी स्कूल उसके अंदर भी आप लोग टीचिंग के लिए एलिजिबल होगे। दोस्तों देखिए अगर MCA करने के बाद आप लोग अगर नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आप लोग यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बता देते हैं, देखिए इंडिया के अंदर एक अच्छे टीचर का कमी हर टाइम से है। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग अपना खुद का कॉलेज का एग्जाम्पल ले सकते हो, अपने कॉलेज के अंदर जो टॉप 10 टीचर्स हैं उनको कंसीडर कर लीजिए, आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा उन्हीं ही टॉप 10 टीचर्स के अंदर दो या तीन टीचर्स ही ऐसा है जो कि काफी इंटरेस्टिंग यूनिक वे में पढ़ाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को टीचरिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आप लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप लोग किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाके भी कंटेक्ट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, या अपना खुद का भी एक प्राइवेट ट्यूशन ओपन कर सकते हो जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है MCA कंप्लीट करने के बाद। दोस्तों अब आप लोगों को बता देते हैं नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसके बारे में, वो है GATE। जैसे ही आप लोग MCA डिग्री को क्वालिफाई कर लेते हो, इसको परस्यू कर लेते हो, आप लोग एलिजिबल हो जाते हो GATE एग्जाम में बैठने के लिए। दोस्तों देखिए इसमें आप लोगों को कंप्यूटर साइंस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना होता है। दोस्तों GATE एग्जाम में अप्लाई करने से आप लोगों को दो फायदा मिलेगा। पहला चीज देखिए, आप लोग जो गवर्नमेंट PSUs होता है उसके अंदर जॉब के लिए अप्लाई कर लेते हो। दोस्तों आप लोगों को थोड़ा बता देते हैं, जो बहुत ही बड़े बड़े गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनीज होता है वो अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंडक्ट करवाता है GATE एग्जाम के थ्रू। तो दोस्तों अगर आपका रैंक बहुत ही अच्छा होता है GATE एग्जाम में तो आप लोग को इन्हीं गवर्नमेंट कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और एक MCA पास आउट स्टूडेंट को बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज ऑफर किया जाता है इन्हीं PSUs के अंदर। थोड़ा एग्जांपल आप लोगों को बता देते हैं, देखिए इन PSUs के अंदर आ जाता है GAIL आ जाता है, HPCL आ जाता है, IOCL आ जाता है, NHPC आ जाता है, NTPC आ जाता है, और इसके अंदर आप लोगों को सैलरी पैकेज रहेगा
8 लाख से लेके 14 लाख पर एनम के हिसाब से, जो कि बहुत ही अच्छा है। दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं दूसरा फायदा क्या है। दूसरा फायदा है आप लोग इनटेक के लिए जा सकते हो। दोस्तों देखिए ये था 3 मेन ऑप्शन जो कि आप एमसीए करने के बाद कर सकते हो। इसको छोड़ के भी और भी बहुत सारा ऑप्शंस है जो थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों आप लोग पीएचडी कर सकते हो, आप लोग एमएस कर सकते हो। एमएस करने के लिए जीआरई एग्जाम देना पड़ता है आप लोगों के लिए। दोस्तों देखिए आप लोग एमबीए भी परस्यू कर सकते हो। एमबीए परस्यू करने के लिए आप लोगों को कैट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। दोस्तों देखिए कैट एग्जाम बहुत ही हार्ड होता है, इसको क्वालिफाई करना उतना आसान नहीं होता है। अगर आप कैट एग्जाम क्वालिफाई कर भी लेते हो फिर भी आप लोगों को एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को एक प्रॉब्लम फेस करना होगा। दोस्तों देखिए एमबीए करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे और एक प्रॉब्लम फेस करने को होगा। दोस्तों देखिए इंडिया के अंदर जो टॉप एमबीए कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटीज है, अगर उसके अंदर आप लोग एमबीए परस्यू करना चाहते हो तो वो सारा कॉलेज या यूनिवर्सिटीज का रिक्रूटमेंट रहता है कि मैनेजमेंट पढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा जॉब एक्सपीरियंस का नॉलेज भी होना चाहिए। दोस्तों देखिए वैसे ही आप लोग बीसीए या बीएससी कंप्लीट करने के बाद एमसीए कर रहे हो, आपका उम्र हो रहा है 24 इयर्स से लेके 26 इयर्स, उसके बाद अगर आप लोग जॉब कर लेते हो तो आपका उम्र आ जाता है एवरेजली 27 से 29 इयर्स के बीच में। दोस्तों देखिए अब एक 29 इयर्स का एक स्टूडेंट्स फिर से जाएगा पढ़ाई करने एमबीए 2 साल के लिए। तो दोस्तों देखिए आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि एमसीए करने के बाद एमबीए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। दोस्तों देखिए एमसीए कंप्लीट करने के बाद और एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है, आप लोग एक फ्रीलांस डेवलपर के हिसाब से भी काम कर सकते हो इंडिविजुअली। दोस्तों देखिए और भी बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। देखिए एमसीए कंप्लीट करने के बाद बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाता है, आपको हायर स्टडीज का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन दोस्तों देखिए पूरा चीज डिपेंड होता है आपके ऊपर। यहाँ पे देखिए मेरे हिसाब से अगर तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि एमसीए डिग्री कंप्लीट करने के बाद जॉब ही बेस्ट ऑप्शन होता है, लेकिन ये पूरा चीज आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। देखिए अगर आप लोग चाहते हो कि और थोड़ा पढ़ाई करें तो एमटेक एमएस पीएचडी कर सकते हो, टीचरिंग में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ये पूरा चीज आपके ऊपर डिपेंड होता है। दोस्तों देखिए समझने की कोशिश कीजिए अपना खुद का क्वालिटी कौन सा है, किसमें आप सबसे अच्छा हो, उसी के हिसाब से अपना प्रोफेशन को चूज करो। और जबरदस्ती मत करो, किसी और फ्रेंड को देख के भी मत करो, ये पूरा अपने आप को विचार करो, अपने आप को समझने की कोशिश करो और फिर डिसीजन लो क्या करना है आपको लाइफ में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए आप लोगों के हिसाब से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है और आप लोग क्यों एमसीए परस्यू करना चाहते हो। अगर आप एमसीए कंप्लीट कर चुके हो तो आपका टारगेट क्या रहा होगा, तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और आप लोग मेरे काम को पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और आप सभी लोगों को पता ही है मैं YouTube पे नया हूँ, आप लोगों का हर एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही कीमती है, तो प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं इसी तरह का वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।